डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल कल 25 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, पुनः मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी एवं संगठन की प्रमुख मांगों को उनके समक्ष रखा। सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालयों में पदों के मानक के संशोधन पर विस्तार से चर्चा की। सीएचसी को दो फार्मासिस्टों के सहारे 24 घंटे संचालन में आ रही परेशानियों व मरीजों को गुणवत्ता न मिलने की बात रखी। वेतन उच्चीकरण, पदनाम परिवर्तन, नुस्खा लिखने का अधिकार दिए जाने सहित अन्य मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल से कहा, आप लोग मन लगाकर मरीजों की सेवा कीजिए, हम आपके मांग पर कार्यवाही अवश्य करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला, महामंत्री उमेश मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे, लखनऊ से सुशील कुमार त्रिपाठी शामिल थे। नमस्कार, मैं आज आपसे मिलवाता हूं डॉक्टर संदीप बंडोला जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहां के चीफ फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के। तो मैं चाहूंगा सर, आप कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले लखनऊ जाकर के, तो क्या उद्देश्य था, किन मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई? ये प्रदेश के फार्मेसिस्टों की अनेकों समस्याएं लंबे समय से लंबी चल रही थी और विगत दिसंबर माह में संगठन ने एक व्यापक आंदोलन किया था जिसमें हमारा शासन स्तर पर एक समझौता हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री से कल भेंट करके उस समझौते की याद दिलाई गई। हमारी तमाम जो प्रदेश के फार्मासिस्टों के सामने दिक्कत आ रही है, जो जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार कृत संकल्पित है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो फील्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको 24 घंटे चलाया जाए। 24 घंटे चलाने के लिए उसी हिसाब से जो भी मैन पावर है वो वहाँ बढ़ाई जानी चाहिए। आज दो फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। ये तब के मानक हैं, आज से बरसों पूर्व जब चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों की संख्या कम थी। आज सरकार ने तमाम संसाधन और सुविधाएं चिकित्सालयों में बढ़ाई हैं, जिसके चलते कई गुना मरीज, चाहे वो प्राथमिक चिकित्सालय हों, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे जिला चिकित्सालय, कई गुना वृद्धि मरीजों की हो गई है। लेकिन पद वही पुराने मानक जो चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दो फार्मेसिस्ट 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं चला सकते। उसमें हमें तीन फार्मेसिस्टों की इमरजेंसी में आवश्यकता होती है, हमें डिस्पेंसिंग में आवश्यकता होती है, इंजेक्शन रूम में आवश्यकता होती है, हमें VIP ड्यूटीज़ के लिए चाहिए, पोस्टमार्टम ड्यूटी के लिए चाहिए, तमाम सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में फार्मेसिस्ट ड्यूटी करता है, वैक्सीनेशन में ड्यूटी करता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कार्यभार अधिक बढ़ रहा है और जब कार्यभार अधिक बढ़ेगा तो गुणवत्ता नहीं दी जा सकती। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने इस पर अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार भी किया और कोई आश्वासन दिया सर इससे? हाँ, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये एक मतलब सोचनी और विचार करने योग्य मांग है, क्योंकि जनता के हित से जुड़ी हुई है। दूसरा, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आज भी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मेसिस्ट चिकित्सक की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट मरीजों का उपचार कर रहे हैं। तो जब फार्मासिस्ट मरीजों का उपचार कर रहे हैं तो उनको कुछ सीमित दवाओं को लिखने का अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन हमको दिया था, हमने पुनः उसकी उनको याद दिलाई। हमारे पदनाम परिवर्तन करने का, जिस पे कि सरकार को कोई खर्चा नहीं आना है, उस पर हमने विचार करने का उनसे अनुरोध किया है। उसके साथ साथ आगामी स्थानांतरण सत्र को शून्य करने की मांग, मात्र स्थानांतरण सत्र में ऑन रिक्वेस्ट जो स्वयं के अनुरोध वाले स्थानांतरण हैं उनको करने का उनसे अनुरोध किया गया। और फिर भी हमने कहा, यदि आवश्यक हो तो नज़दीक के जनपदों में ही स्थानांतरण किए जाएं, स्थानांतरण को उद्योग ना बनाया जाए, उनको